खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। मोहम्मद अरबाब सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के इलाका सिटी हाउसिंग सरगोदा रोड बाईपास पर एक मालोना औरत ने नबूवत का दावा कर दिया और अपने बेटे के लिए इमाम मेहंदी होने का दावा, जिस पर पीपी 108 के अमीर चौधरी नवीद शफी और दीगर जिम्मेदारान ने फौरन एक्शन लिया और पुलिस ने मालोना को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। CPO फैसलाबाद नासिर रिज़वी गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंच गए। मुश्तिल अवाम को यकीन दिलाया कि इस मालूना को और जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला दी नवाजी हुई बंदियां रूहानियत दे साडे नाल कुछ मामलात ने। मेन बंदा मेरी सिस्टर हैगी है, 7 साल तो ओहदे नाल है मामला, सना अल्लाह ओ लाहौर च, ठीक है। ए वीडियो ओहदी है, मैं ओहदे इस सफर च ओहदे नाल गवाह वां ओहदी। अल्लाह ताला ने मेनू शामिल कीता होया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे, ठीक है भाई। सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने, ठीक है। साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं, मेरा ही ना ना है, ठीक है। सानू अल्लाह ताला दे मेरी नमाज की जगह तुसी प्लीज इत्थे जुती ना रखो, ठीक है। मैं 24 घंटे नमाज परहेजगार रोजे वाली पर्दे वाली बंदी हां, दुनिया असी 7 साल तो छड़ दी हुई है, ठीक है। और साडा बहुत पकीजा हिसाब किताब हैगा वे, ठीक है भाई। मैं किधरे नहीं जाती, ना मेरे घर कोई आ सकता वे। ऐसी जो बयान दिता वे मेरी सिस्टर ने, उस रब दे हुक्म दे नाल जारी किया वे, असी किधरे भी पिछे नहीं हटांगे। जे साडी किस्मत च शहादत लिखी है मैं खुशी खुशी कबूल करांगी, ठीक है। बाकी भाई एना सारिया का हिसाब नहीं बनता, एना को दीन का इलम नहीं, एना ने तर्जमा नहीं पढ़िया। मैं तुहानू कह रही हां कि किसे हमारे खून में है, इस नारे के बगैर जिंदगी मौत है, ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हुआ हूँ, दोबारा खड़ा हूँ कि ये मालूना और इस पूरे ग्रुप में जो जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नबूद करना इंशाल्लाह, कानून के तरीके के तहत कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है इंशाल्लाह। और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिज़वी बसियत CPO फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी।